हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसे बनाना बहुत इजी है गाइस, बहुत ही इजी, आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। हमने यहाँ पे देखिए ये नेट के फैब्रिक का यूज़ किया और सिर्फ एक लेस का यूज़ किया है। इसे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इसे सुई धागे की हेल्प से बनाया है और वीडियो में हमने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट भी बता दी है, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में नेट का फैब्रिक लिया है। ये हमारा अरमान नेट का फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच और लंबाई हमने रखी है 30 इंच, 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। आप सभी साइज़ के लिए मेज़रमेंट देख लें। सबसे पहले हम ये चौड़ाई ही देखेंगे, तो 0 साइज़ के लिए रखनी है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच ये देखिए, ये है हमारा 2.5 इंच और ये है 2 इंच। 2.5 इंच और 2 इंच के बीच में हमारा हो जाएगा 2.25 इंच। 0 साइज़ के लिए 2.25 इंच, 1 नंबर के लिए 2.5 इंच, 2 नंबर के लिए 2.75 इंच, 3 नंबर के लिए 3 इंच, 4 नंबर के लिए 3.25 इंच, 5 नंबर के लिए 3.5 इंच, 6 नंबर के लिए 3.75 इंच, 7 नंबर के लिए 4 इंच, 8 नंबर के लिए 4.25 इंच, 9 नंबर के लिए 4.5 इंच और 10 नंबर के लिए 4.75 इंच। तो ये हमने आपको अभी चौड़ाई बता दी। अब हम लंबाई देख लेते हैं। सभी साइज़ के लिए हमने यहाँ 30 इंच रखी है, तो 0 साइज़ के लिए आपको रखनी है 16 इंच, 1 नंबर के लिए 18 इंच, 2 नंबर के लिए 20 इंच, 3 नंबर के लिए 22 इंच, 4 नंबर के लिए 24 इंच, 5 नंबर के लिए 26 इंच, 6 नंबर के लिए 28 इंच, 7 नंबर के लिए 30 इंच, 8 नंबर के लिए 32 इंच, 9 नंबर के लिए 34 इंच और 10 नंबर के लिए 36 इंच। तो ये हमने आपको यहाँ पे मेज़रमेंट बता दी। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे डबल करेंगे और 30 इंच के फैब्रिक को हम दो भाग में कट करके 15-15 इंच का दो पीस बनाएंगे। तो इसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे 30 इंच लंबाई और सेम चौड़ाई में 4 इंच चौड़ाई और 30 इंच लंबाई में येलो कलर में नेट का फैब्रिक लिया है और सेम हमने 30 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई में रेड कलर का भी नेट का फैब्रिक लिया है। ये देखिए, तो ऐसे करके आपको भी 3 कलर के फैब्रिक लेने हैं। अब हम यहाँ सभी को बीच में से कट कर देंगे, आधा आधा करेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। ये हमने रेड वाले को कट किया और फिर येलो वाले को कट करेंगे। बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस। और फिर हम ग्रीन वाले को कट कर देंगे। ये देखिए, अभी जो हमारा 30 इंच लंबाई का था 15 इंच का हो गया है और चौड़ाई हमारी 4 इंच ही है। हम क्या करेंगे, ये देखिए एक पीस लेना है और हमने सुई में धागा डाल दिया है। यहाँ से हम सिलेंगे। ये देखिए, ये ऊपर से हमें ऐसे छोटी छोटी सी सिलाई लगानी है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका मैं आपको बताऊँगी, आप बहुत आसानी से बना लेंगे गोपाल जी के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत लगेगी पोशाक, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार अपने गोपाल जी के लिए। ये हम यहाँ से सिल रहे हैं, बस छोटी बड़ी हम सिलाई लगा लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत छोटी छोटी ही लगाएं और ये भी ना करें कि बहुत बड़ी बड़ी लगाएं, एकदम मीडियम साइज की हम लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हम लगाते हुए एकदम लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लगाया, अभी हमारा ग्रीन कलर वाला एक बच गया है। अब इसके बाद हम एक येलो लगा लेंगे और फिर सेम तरीके से एक रेड लगाएंगे और फिर हम यही तीनों पीस एक बार और रिपीट कर लेंगे। चलिए हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर सभी कलर लगा लिए हैं और ऐसे पास पास कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी कमर 6 इंच में करनी थी। 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पर कमर 6 इंच में कर ली है। ये पूरा इकट्ठा करके हमने फैब्रिक 6 इंच में किया है। ये देखिए, 1, 2, 3 कलर एक बार लगा दिया, फिर 1, 2, 3 यही तीनों कलर रिपीट कर दिया है। तो मैं कमर की मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको सभी साइजेस के लिए। तो ये तो है 7 नंबर के गाना जी के लिए 6 इंच, 0 साइज़ के लिए आप रख ले 2.5 इंच, 1 नंबर के लिए 3 इंच, 2 नंबर के लिए 3.5 इंच, 3 नंबर के लिए 4 इंच, 4 नंबर के लिए 4.5 इंच, 5 नंबर के लिए 5 इंच, 6 नंबर के लिए 5.5 इंच, 7 नंबर के लिए 6 इंच, 8 नंबर के लिए 6.5 इंच, 9 नंबर के लिए 7 इंच और 10 नंबर के लिए 7.5 इंच। तो ये हो गया। हमने यहाँ से भी देखिए धागे को कट नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डोरी ली है। हम इसे यहाँ पे सिल देंगे। ये देखिए, यहाँ से लगा के और सुई धागे की हेल्प से हम इसे स्टिच कर लेंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है।
ये देखिए हमने इधर लगा दिया, सेम इसी तरीके से हम एक डोर इधर भी लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। अब देखिए हमारा नीचे का घेर कंप्लीट हो गया है, ऊपर का हमने एक साइड की चोली बना ली है। दूसरे साइड के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है, जितनी हमने कमर रखी थी उतनी ही लंबाई और चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। 6 इंच लंबाई चौड़ाई हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है, आर पार दिखेगा, इसलिए हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब हम यहाँ पर पकड़ के एक बार ऐसे छोटी छोटी सी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हम टिश्यू रिबन आसानी से लगा सकें। ये देखिए अब ये यहाँ पर सिलता चला जा रहा है, बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये हमने गोल्डन कलर में टिश्यू रिबन लिया है, तो इसे हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, ये देखिए, जिससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए और देख के अच्छा लगे। तो इसे भी हम सुई धागे की हेल्प से ही लगाएंगे, इस पर भी हमने देखिए सुई धागे की हेल्प से ही लगाया। यहाँ पे आपको पीछे से बड़ी बड़ी सिलाई दिख रही होगी, आगे हमने छोटी छोटी सिलाई रखी है। तो सेम हमें इसमें भी करना है, फ्रंट साइड पे हम छोटा सा सिलेंगे, बैक पे हम थोड़ा लंबा। ये देखिए हमारे हाथ की सिलाई बहुत पक्की होती है, तो इसके खुलने और ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये देखिए ऐसे करके हम लगा लेंगे इसे यहाँ से यहाँ तक। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए ये हमारा दोनों रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से थोड़ी दूर हमें इसे सिल देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इतना दूर से ज्वाइंट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अपने घेर पे यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमें ऐसे लगा देना है, एकदम सिंपल और आसान सी ड्रेस मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत इजीली बना लेंगे। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया सुविधा की हेल्प से ही। ये देखिए ये कुछ इस तरह का आया है। अब हमने यहाँ पे ये गोल्डन कलर में लेस ली हुई है, ये देखिए ये इस तरह की सीक्वेंस वर्क की लेस है, बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसे हम कमर पे लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, और आप चाहें तो एक एक बार इधर से भी लगा सकते हैं, तो मैं देखूँगी अगर अच्छा लगेगा तो एक एक बार इधर इधर से भी लगा लूँगी। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं, सुविधा की हेल्प से ही हम सिलेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, हमने इधर से भी ये लगा दिया है सुविधा की हेल्प से, हमने सिल दिया है इसके ऊपर, और यहाँ से भी हमने दो बार लगाई है लेस। तो चलिए अब गोपाल जी को पहना के आपको दिखा देते हैं कि पहनने के बाद ये कैसी लगेगी। एकदम सिंपल और सोवर सी ड्रेस है, बहुत ईजिली आप बना लेंगे, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पहनाने में भी। ये देखिए यहाँ से पीछे आएगी और ये भी हमारा इधर से पीछे आ जाएगा, बस हम इसे यहाँ पर बांध देंगे। एकदम सिंपल और सोवर सी पोशाक है गोपाल जी की, गर्मियों के में एकदम हल्की। ये देखिए यहाँ से डोरी ढीली हो रही है, हमें थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी क्योंकि ये बांधने के बाद सरक जाती है। काफ़ी सारे लोग को लगता है कि मैं टाइट बांधती हूँ, बट ऐसा है नहीं, ये खुद ही ढीली हो जाती है बांधने के बाद। ये हमने डोरी लगा दी, अब यहाँ से हम सारी प्लेट को सेट कर देते हैं। एकदम सिंपल और इजी सी पोशाक बनाई है हमने, गर्मियों में एकदम कंफर्टेबल रहेगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह की लग रही है गोपाल जी के ऊपर, बहुत ही सुंदर खिला सा कलर है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये देखिए सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।